सरकार से ये अपील है कि जो उन्होंने कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन बढ़ाया है और लॉकडाउन किया गया था, उसका हम लोग पूरा कुली समाज पूरे तहे दिल से उसका पालन कर रहे हैं। कहीं पर कोई हमारा कुली गड़बड़ नहीं कर रहा है, जैसा सरकार चाह रही उसी हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सरकार से हमारी एक मांग थी पूरी तरीके से कि जिस तरीके से इस देश के तमाम सारे वर्ग को एक श्रेणी में रखा गया था और उसी अनुसार सुविधाएं पहुंचा रही थी सरकार, लेकिन हमारी मांग के बावजूद यानी लॉकडाउन होने के दो दिन पहले हमने ये सरकार को आगाह कर दिया था भाई रजिस्ट्री के जरिए और ट्वीट के जरिए कि हमारा कुली समाज रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला है और ये शहर और देहात दोनों से बिलोंग करता है। इसकी समस्या ये है कि अगर लॉकडाउन लंबा बढ़ाया जाएगा तो ये भूखे मरने लगेंगे। इनके लिए एक पैकेज का निर्माण कर दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का सुचारू रूप से संचालन कर सकें। आर्थिक मदद की हमने मांग की थी, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस तरीके से किसी पैकेज का निर्माण नहीं किया गया है। जिस तरीके से अभी 14 और 15 तारीख के न्यूज़ चैनलों के जरिए और अखबार पत्रों के जरिए बताया गया कि कुलियों को IRCTC की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तो मैं भारत सरकार को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खाना बांटने वाला जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से निराधार है, गलत है और इस पर हमने लेटर भी लिखा 18 तारीख को सरकार को कि इस पर जांच करा ले, कहीं कुलियों के नाम पर धोखाधड़ी और घोटाला तो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से और अपने लेटर के माध्यम से ये बताया हूँ कि देश में 19,762 जो कुली हैं ये दो तरह से बिलोंग करते हैं, एक गाँव से एक देहात से। इस लॉकडाउन में काफ़ी मात्रा में लोग शहर में फंसे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में लोग गांव चले जा चुके हैं, तो जो स्टेशन पर NGO है या सरकार के कर्मचारियों की दया दृष्टि पर जो मदद दिया जा रहा है, वो चाहे DRM की तरफ से हो या सीनियर DCM की तरफ से हो या स्टेशन के वर्कर की तरफ से हो, वो स्टेशन के ही कुलियों को मिल पा रहा है। अदरवाइज जो गाँव चले गए हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सरकार से मांग किया था कि सरकार अगर 19,762 कुलियों के लिए किसी ऐसे पैकेज का निर्माण कर देती तो हमारा सारा कुली उस पैकेज के अंतर्गत आ जाता है और उनके परिवार के जीने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण हो जाता। यही मैं सरकार द्वारा अभी तक आपकी कोई भी ऐसी परेशानी नहीं सुनी गई है या कोई भी चीज़ आपको नहीं दिलाई गई है जिससे आप लोगों को कोई परिवार से कोई पूरा हो सके? जी, भारत सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी पैकेज का निर्माण आज तक नहीं हुआ और ना ही किसी चैनल के माध्यम से ये बताया गया कि आप लोगों के लिए ये निर्माण किया गया है, कहीं भी कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1,000 रुपये का निर्धारण किया गया है, वो भी इस उत्तर प्रदेश के दो स्टेशन के कुलियों को मिल पाया, झांसी और फैजाबाद। मैंने भी यहाँ से लगाया और तमाम सारे स्टेशन के लोगों ने अपना, नगर निगम को अपना डाटा प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आज तक उसका पैसा मिला नहीं।